नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सियाराम स्टॉक्स में। दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए शेयर लेकर आया हूँ, आप उस कंपनी का नाम देख सकते हैं। उस कंपनी का नाम है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। कंपनी NSE रजिस्टर्ड है। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में जो एक न्यूज़ आ रही है निकल कर वो दिखा देता हूँ। तो देखो, जैसा आप देख सकते हो, कंपनी के जो 11.5 लाख शेयर ना खरीदे हैं, और वो खरीदे हैं एक सिंगापुर की कंपनी ने, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, यह एक सिंगापुर की कंपनी ने खरीदे और 11.5 लाख शेयर खरीदे हैं, ठीक है। और किस प्राइस रेंज पे खरीदे, उन्होंने 399 पर शेयर के हिसाब से उन्होंने 11.5 लाख शेयर इस कंपनी के स्टेक किए हैं। तो यह न्यूज़ थी एक जो मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन अब यह न्यूज़ ना न्यूज़ के उस पर केवल ट्रेडर्स जो होते हैं वो पैसा कमा सकते हैं, जो लेकिन इन्वेस्ट करता है लंबे समय को, वो केवल न्यूज़ देख कर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हम इसके पहले फंडामेंटल्स चेक करते हैं, इसके फंडामेंटल्स कंपनी के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, जो कंपनी है वो ट्रेवल से रिलेटेड काम करती है, यानी ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करती है। कंपनी की मार्केट कैप देख सकते हैं आप, कंपनी की मार्केट कैप 9000 करोड़ की है, ठीक है। कंपनी की ROCE 65.9 और कंपनी की ROE 52.9 है। कंपनी का करंट प्राइस 415 रुपये है। वहीं कंपनी का एक साल का अधिकतम 476 और एक साल का न्यूनतम 204 है, जो कि दुगने का अंतर इसमें है, ठीक है। तो आप इससे भी, इस केवल इसे देख के भी इसमें अच्छी खासी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। कंपनी हमें 0.12% का डिविडेंड भी पे आउट कर रही है। उसके बाद कंपनी के प्रोज देखें तो देखो, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी एक अच्छे क्वार्टर देने की उम्मीद में है, और पिछले 5 साल में एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे 39.75 की। और कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ROE कंपनी का काफ़ी अच्छा है। पिछले 3 साल से देख सकते हैं 48.08। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, वही जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कंपनी अच्छा खासा हमें डिविडेंड पे आउट कर रही है। उसके आप देख सकते हैं, जो कंपनी है वो ट्रैवल एजेंसीज कंपनियों में से एक कंपनी है ये, और अपने सेक्टर में इस समय सबसे ऊपर है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं क्वार्टरली रिजल्ट, तो आप देख पाएंगे जो जून वाला क्वार्टर इसके नंबर आउट हुए हैं उसमें देखते हैं कंपनी की सेल पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ी है। वही चीज़ हमें प्रॉफिट में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, लेकिन प्रॉफिट में अंतर ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में 24 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इस वाले क्वार्टर में 34 करोड़ यानी 10 करोड़ का फर्क हमें देखने को मिल चुका है। ईयरली देखें तो मार्च 2021 में 107 करोड़ की सेल हुई थी, और मार्च 2022 में 233 करोड़ की सेल हुई, यानी दुगने से भी ज़्यादा की सेल इसमें बढ़ी है। और आप देखो, वही चीज़ आपको प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। मार्च 2021 में 62 करोड़ का प्रॉफिट था, और वहीं मार्च 2022 में 107 करोड़ का प्रॉफिट, यानी ऑलमोस्ट प्रॉफिट भी दुगने पर ही है, ठीक है। उसके बाद हम आपको उसके रिजर्व दिखाएं, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी पे 196 करोड़ का रिजर्व है, और 40 करोड़ का कर्ज है। अब आपको फिर मैं वही अपने बेसिक तरीके से समझाता हूँ, किसी कंपनी पे 196 करोड़ हैं और उसे 40 करोड़ का कर्ज देना है, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कंपनी हमेशा केपेबल है इस कर्ज को उतारने के लिए। तो अगर हम कहें ये कंपनी कर्ज मुक्त है, तो वो बिल्कुल सही है। तो कंपनी को हम डेब्ट फ्री कह सकते हैं। उसके बाद हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर वीडियो में मैं कहता हूँ आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में 45% अनिवार्य होना चाहिए, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी हो। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, एक तो इतनी बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है कि इतना बड़ा बल्क में स्टेक लिया है किसी कंपनी ने, वो भी बाहर की, और वहीं फॉरेन जो प्रमोटर्स हैं उनकी 74.90 यानी ऑलमोस्ट 75% की हिस्सेदारी इसमें है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की इसमें 3.44 और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की इसमें 2.31 की हमें हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। तो जैसा मैंने आपको दिखाया, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और खासकर प्रमोटर्स की काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी इस शेयर में है, ठीक है। ग्राफ को हम जज कर लेते हैं पहले। देखो, ग्राफ ना ऑलरेडी इस न्यूज़ के बाद से काफ़ी हाई हो चुका है, लेकिन आप सभी जानते हैं न्यूज़ की, केवल अगर न्यूज़ की वजह से हाई हो रहा है तो केवल वो ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने तक शेयर चढ़ सकता है। लेकिन जो इसके फंडामेंटल्स मैंने चेक कराए, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अच्छे खासे लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोई कंपनी यार 11.5 लाख के, मतलब 11.5 लाख शेयर खरीदेगी ना, तो ज़रूर वो कोई हमारी तरह शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदेगी, ठीक है। कंपनी में ज़रूर कुछ पोटेंशियल है, तभी किसी बाहर की कंपनी ने वो भी इतना बड़ा अमाउंट से
ये स्टेक लिया है। आप देख सकते हैं कंपनी का करंट प्राइस 414 और कंपनी ने एक दिन में 10% का रिटर्न दिया है। आप समझ रहे हो 10% का रिटर्न एक दिन में। बीते 5 दिन की बात करें तो कंपनी 0.33%, यानी ये साफ दर्शाता है कि जो न्यूज़ आई थी केवल उसकी वजह से जो ये एक दिन में हमें असर देखने को मिला है, ये 10% का रिटर्न केवल उसकी वजह से है। एक महीने की बात करें कंपनी ने हमें 3.95% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में देख सकते हैं आप कंपनी ने हमें 37% का रिटर्न दिया। थोड़े लंबी अवधि में देखें तो मैक्सिमम में कंपनी हमें ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दे चुकी है। तो दोस्तों शेयर जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप पूछोगे आपको किस प्राइस रेंज पे इसे देखना चाहिए, तो आपको इसी प्राइस रेंज पे अगर आप इसे खरीदते हैं तो आप आने वाले एक साल के लिए इसका जो टारगेट आप बना सकते हैं वो बना सकते हैं 900+ का। यानी आने वाले समय में आप एक साल के अंदर अगर इसमें निवेश करते हैं एक साल के लिए, तो आप इसमें 900+ का टारगेट आपको ये कंपनी डेफिनेटली अचीव करती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों पैसा आपका लगेगा, तो इसमें फिर भी एक बार स्टडी ज़रूर ऐड कर लेना, क्योंकि पर्सनली शेयर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी स्टडी इसमें ऐड होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी स्टडी ज़रूर करना और तभी इसमें निवेश करना। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अन्य आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन समय रहते हम आपको दे सकें। धन्यवाद।